पुदीने का पौधा लगाना बहुत ही आसान है, चाहे वो बिगनर्स हो या जिसे पहले से ही लगाना आता हो, जो पौधों की जानकारी रखते हों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल प्लांटेशन में, और आज मैं आपको पुदीना का पौधा लगाना बताऊंगा। जी हाँ, यानी कि मिंट। मिंट का पौधा आप अपने घर में किचन गार्डन में कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो आज मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा एक चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले चाहिए होगा आपको एक पॉट, और मैं यहाँ पर एक पॉट की जगह पर एक प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने उसमें पहले से ही होल्स, छोटे छोटे होल्स बना के रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो सॉइल यूज़ कर रहा हूँ वो नॉर्मल सॉइल है, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ भी एडिशन नहीं मिक्स किया है, इवन मैंने इसमें खाद भी नहीं डाला है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पुदीना लगाना बता रहा हूँ यहाँ पर। और मैंने इसमें बॉक्स के अंदर, जो मैं यहाँ पर प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैंने सॉइल पूरी मिक्स कर ली है, और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मिंट के छोटी छोटी कटिंग यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर 3 कटिंग्स ली हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से उसकी जो टिप है उस पे से कुछ पत्ते उसके निकाल रहा हूँ, जिससे कि मैं पूरा मिट्टी के अंदर लगा सकूँ। तो यहाँ से मैं इसके 2 से 3 पत्ते टिप के ऊपर से इनको निकाल दूँगा, जिससे कि जो इसकी ग्रोथ है वो आसानी से मिट्टी को अच्छे से पकड़ ले। तो मैं यहाँ पर इन कटिंग्स को मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। एंड ये कटिंग्स मैंने बारिश के सीज़न में लगाई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं उस टाइम भी थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदें आ रही थी। तो अगर आप इसे बारिश के सीज़न में लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो होगा, वैसे आप इसको किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, ये ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 कटिंग यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 3 कटिंग, छोटी छोटी 3 कटिंग पुदीने की यहाँ पर लगा दी हैं, और इन्हें अच्छे से मिट्टी के अंदर आपको लगा देना है। लगभग छोटा छोटा जो इसकी जो टिप है उसमें से पत्ते निकाल करके उसको आपने मिट्टी के अंदर लगा देना है, और ऊपर से पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे भरपूर पानी लगाएं शुरू में, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ही अभी सूखी हुई है, ताकि इसकी मिट्टी पूरी गीली हो जाए और जो हमारी जो कटिंग है यहाँ पर पुदीने की जो हम लगा रहे हैं वो आसानी से ग्रो हो जाए। तो इसे भरपूर पानी लगाएं। और ये जो कटिंग मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल मैंने बाज़ार से लेकर के लगाए थे। तो आप भी नॉर्मल पुदीना जो आप घर में किचन में यूज़ करते हैं उनकी कटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये एक हफ्ते बाद का अपडेट मैं शेयर कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं जो हमारी कटिंग हमने लगाई थी पुदीने की वो ग्रो कर रही है। इसे लगाए हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, और आप देख सकते हैं कि हमने जो 3 कटिंग लगाई थी पुदीने की वो ग्रो हो गई हैं। एंड आप देख सकते हैं इसकी जो रूट्स हैं हमारी वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं। एंड मैंने इसमें खाद लगा दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें खाद लगा दिया था। तो आप भी इसमें 15 से 20 दिन के बाद लगा सकते हैं खाद, यह हमारे पुदीने के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होगा और उसकी ग्रोथ में उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसे लगाए हुए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पुदीने का पौधा वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और ये बॉक्स से बाहर निकल रहा है क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है। और इसकी सॉइल भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है, और इसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें खाद लगा दिया था। और इसमें फ्रेंड्स, इसमें कोई कीटनाशक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिंट के पौधे में कीड़े बहुत कम लगते हैं, तो आप इसको बिना कीटनाशक के भी रख सकते हैं, लेकिन इसको खाद की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको खाद लगाइए। एंड हमने जो कटिंग यहाँ पर यूज़ की थी इसको लगाने के लिए, ये हमने नॉर्मल जो किचन में यूज़ करते हैं, जो हमारे मार्केट से आते हैं पुदीना, हरा पुदीना, हम वो कटिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वही कटिंग लगाई है। और एक बार आपका जो पुदीना ग्रो कर जाएगा तो आप इसमें से भी कोई भी कटिंग काट के उसको फिर से एक नए पॉट के अंदर लगा सकते हैं, वो वहाँ से भी ग्रो हो जाएगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पॉट में भी लगा रखा है ये, और ये भी एक प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा है और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो आप इसे अपने घर में पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको आपने अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है और ये अपने आप ही ग्रो होता रहता है, अपने आप ही फैलता रहता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी सिर्फ 3 कटिंग लगाई थी और अभी हमारे पास इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। तो आप इसे अपने किचन के लिए लगा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।